अमित जी पहले आप एक हाँ नमस्कार, मैं अमित बहल हूँ। मैं सिंटा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और डिस्प्यूट कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। साथ ही साथ मैं इस बहुत बड़े फेडरेशन जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो हुआ है ये हमने 24 घंटे में जो भी ऑर्गेनाइज किया है इसमें आप लोग सब आए हैं, इसमें अनुष्का कितना बड़ा योगदान है और मेरे जितने मित्र आशुतोष राणा, रेणुका शाने, मनोज पावा, सीमा पावा, सुनील सिन्हा, जमा हबीब, सलीम आरिफ, लुबना सलीम, ब्रजेश हिर जी, ये लोग सब आए हैं। ये क्यों आए हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एक कलाकार जो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता था मेरे अलावा, तो उसके खिलाफ कुछ हुआ है एंड वी आर हियर टू जस्ट सपोर्ट। कीकू ने जो क्या दिन देखे पिछले 3 दिन, कीकू हम सबका अजीज है, सुशील जी ने उनके साथ काम किया, ब्रजेश ने उनके साथ काम किया, मैंने काम किया, रेणुका ने काम किया होगा शायद, हम सब ने उसके साथ काम किया। और ये सिर्फ कीकू की बात नहीं है, ये बात है कि एक कलाकार ने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली जिसके लिए किसी आदमी ने उसको अरेस्ट कर दिया, ओवरनाइट उसको कहीं ले गए, उसके बाद उसके साथ उसके घर परिवार के साथ हमारी पूरी कल्चरल कम्युनिटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो ज्यादतियाँ हुई, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और सिंटा के डिस्प्यूट कमेटी के चेयरपर्सन होने के हिसाब से जो लोग मुझे सिंटा में कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा अमित भैली शुरू करता है, तो मैंने ये शुरुआत की इस डिस्कशन की और आई हैव लेफ्ट दिस हाउस टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है। हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो गोपी भल्ला हों, चाहे सुशील पराशर हों, चाहे सलीम भाई हों, चाहे रेणुका हों, चाहे आशुतोष हों, ब्रजेश हों, दीपक भाई हों, आशीरो जमा भाई हों, हम सबको, दिलीप पिटवा हमारे फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है, कमलेश पांडे जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आशीष जी को जो हमारे फेडरेशन के ट्रेजरर हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि सुशांत सिंह जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ नहीं है, ओमपुरी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, दर्शन जरीवारा जो हमारे ट्रेजरर हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, पल्लवी जोशी जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी की चेयरपर्सन वो नहीं है। और हम शायद सिर्फ सिंटा नहीं, सिंटा, इफ्टडा, राइटर्स एसोसिएशन, हम पूरी फेडरेशन की तरफ से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। और आप लोगों से आई लीव दी एंटायर डाइस ओपन टू यू पीपल टू आस्क क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर ऑल क्रिएटिव पीपल हियर सिटिंग ट्राइंग टू डू क्रिएटिव वर्क। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड वी वॉन्ट टू डू समथिंग डेमोक्रेटिक वर्क, वी आर नॉट ब्लास्फेमस, वी डू नॉट मीन इल फॉर एनी बडी, वी आर हियर टू डू अ गुड जॉब। बट टुमारो you, me, anybody could be arrested, murdered, slandered, raped, brutalized, kidnapped for just having one thing, freedom of expression. मैं सिर्फ इसी में ऐड करना चाहूंगा कि अब ये समय आया है इस मुल्क में और इन सारे महान कलाकारों की छाया में कि शायद हम सबको अभी एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये कल क्या होगा, कौन हमें कहाँ से उठा के कहाँ ले जाएगा, हमें कुछ पता नहीं। हमें अपनी स्क्रिप्टें ऐसे लोगों से अप्रूव करवानी पड़ेंगी जिनके खिलाफ ये इशू हुआ है। तो ये हम कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए हैं और उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब हमारे देखने, सोचने और फैसला करने की बात। जहाँ तक भावनाओं के हर्ट होने का, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसा मुल्क है कि कैसी छोटी छोटी चीज़ों की भावनाएँ हर्ट हो जाती हैं। मेरी भावना तो इसलिए हर्ट हुई कि हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ ऐसी बस रुकी ही गई, उसे इस तरह से उठा के ले जाया गया, हरियाणा पुलिस ले गई उसको, मतलब इसे हमारी भावना हर्ट हुई तो उसका क्या, हमारी भावना है क्या, क्या मुझे हक है कि मैं अपनी भावना हर्ट होने के लिए हरियाणा पुलिस के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ कहीं FIR कर सकता हूँ यहाँ पर, हम मुझे हक है नहीं। तो ये इतनी भावनाएँ इतनी छुई हुई कैसे होगी कि छोटी छोटी बात पर लोगों को उठा के कहीं भी कोई ले जाता है। और आर्टिस्टों को जिनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन करना है,
जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो स्क्रिप्ट उसको दी जाती है, एक टीवी चैनल है जो वो शो बनाता है, कोई लिखता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई कुछ करता है, पर आर्टिस्ट को उठा के ले जाते हैं। अच्छा होता फिर सबको ले जाते तो बेटर होता। तो इसीलिए मुझे अभी लगता है कि समय आ गया कि हम सबको 2.5 लाख जो हमारे वर्कर और टेक्नीशियन है इंडस्ट्री के, 2.5 लाख सारे के सारे, सबको एंटिसिपेटरी बिल ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है, कौन कब क्या शिकायत कर रही है। क्या है, हम में से कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों के व्यक्तित्व को लोग मानते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं। मैं चाहूँगा कि जमा हबीब साहब, अशुतोष राणा साहब, सलीम आरिफ साहब, लुगना सलीम, दिलीप पिटवा फेडरेशन की तरफ से, मनोज पावा, सीमा पावा, ब्रजेश हिर जी, सुनील सिन्हा, ये हम सब उनकी बातें सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग दो दो शब्द कहें इस बारे में। सलीम भाई, उससे पहले कि आप लोग हमसे सवाल पूछें, हमारे दिल में एज अ क्रिएटिव कम्युनिटी, एज अ कल्चरली एक्टिव कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हु गोज बियॉन्ड बैरियर्स, एज अ कम्युनिटी हु डज नॉट थिंक दैट रिलीजन, पॉलिटिक्स, करप्शन, वी आर ऑल बियॉन्ड दैट, ओके? सो दीज आर सम पीपल हु आर डेफिनेट, यू नो, दीज आर द पीपल दैट वी लुक अप टू, हु टॉक अबाउट ऑल दिस। मैं चाहता हूँ कि ये लोग बात करें। मैं चाहता हूँ कि प्लीज रेणुका से स्टार्ट करते, राणा जी बोलेंगे ना पहले। राणा जी के स्टार्ट करने से पहले मैं राणा जी के माइक के बीच में ये कह रहा हूँ कि मीडिया को ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों में कितना गुस्सा है। ये गुस्सा हम फिजिकल वायलेंस से नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, और कलम और जबान जब बहुत जोर से खुलेगी ना तो पूरा देश खोलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हमारे एक ऐसे बंदे के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है जो हम नहीं झेलेंगे। राणा जी, यू विल एग्री विद मी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कीकू जो है वो इतने मासूम है, मतलब अगर कोई आदमी गुंडागर्दी या किसी को इंटेंशनली हर्ट करने से दूर अगर है तो वो कीकू है। और मुझे लगता है कि ये एक विडंबना है हमारी। ये एक हमारे सिस्टम की विडंबना है कि एक ऐसे इंसान को आप बहुत बुरी तरह से जेल के अंदर कर देते हो, और इसमें इनफैक्ट विक्टिम वो हो गए हैं बहुत बुरी तरह से। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि 295A ये जो लॉ उन पे अप्लाई किया हुआ था, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इंटेंशनल हर्ट टू एनी रिलीजियस पर्सन और रिलीजियस बिलीफ। तो अगर वो इंटेंशन ही नहीं है तो वो प्रूफ कैसे होगा? अपने लॉ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, और चूंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो इज इट टाइम नाउ टू डिफाइन दीज थिंग्स? अपने देश में रिलीजन कौन कौन से हैं? हर रोज़ कोई एक अगर नया रिलीजन आता है तो क्या उसका भी हम उतनी इंटेंशन हर्ट, और उतनी जितने 10 भक्त हैं, 12 भक्त हैं, 15 भक्त हैं, 100 करोड़ भक्त हैं, उन सबका अभी हम संभाल संभाल के अगर चलेंगे तो हम घर से बाहर ना निकलेंगे और ना कोई काम कर पाएंगे, और कॉमेडी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कॉमेडी इज बेस्ड वेरी ऑफन, मिमिक्री इज बेस्ड ऑन इमिटेटिंग अदर पीपल, नॉट टू इंटेंशनली हर्ट देम। इमिटेटिंग देम इज एक्चुअली अ बिग सलाम टू देम, इनफैक्ट कि वो इतने इंटरेस्टिंग हैं, वो आज उस कद पे हैं जो आप उनको इमिटेट कर रहे हो। अब बाबा जी का जहाँ पर ये बात है कि वो एक्टर हैं ऑल्सो, उन्होंने 2 फिल्में की, मेंबर ऑफ सेंटा, वो हमारे भी मेंबर है। हाँ जी, तो हमको ज्यादा अच्छा लगता अगर उनको अगर कुछ परेशानी होती तो बैठ के बात करते, एसोसिएशन के जरिए बात करते। दूसरी बात, इनफैक्ट कीकू जी ने तुरंत अपोलोजाइज किया, उसके ऊपर हमने सुना कि बाबा जी ने ये कहा कि हमको तो कोई ऐतराज़ नहीं। तो क्या आप अपने भक्तों को ये बता नहीं सकते कि आपको कोई ऐतराज़ नहीं?
क्यों एक किसी इनोसेंट इंसान ने अपने देश में 3 दिन का और उसके बाद भी, मतलब अब कीकु जी जो हैं वो मेरे बच्चों के, उनके बच्चा मेरे बच्चों के स्कूल में है, तो अब बच्चों में ये बात फैल गई कि कीकु जी जेल जा चुके। अब सोचिए किसी निर्दोष के ऊपर ऐसा होना चाहिए क्या अपने देश में? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो भी उनके साथ हुआ बहुत गलत है, हम सब उनके साथ हैं, और चाहे जो भी कोई सा भी आर्टिस्ट हो, अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ होता है, हमको लगे कि ये अब बढ़ती जा रही हैं बातें, तो हम इसको आगे तक लेने तैयार हैं, ये मेरा मानना है। ओवर टू रेणुका जी। ने जो जितनी बातें कही, अमित ने बात कही, कमलेश जी ने बात कही, हम यहाँ पे आपके साथ जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चाहे साहित्य हो और चाहे समाचार हो, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं। हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि क्या पिछले 3 दिनों में ये जो घटना घटित हुई किसी भी कलाकार के साथ, क्या ये जायज़ है, क्या ऐसा होना चाहिए?